हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आर डेमी। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और हम आर्टिस्ट कोई दुर्गा फेस या माता की पेंटिंग ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बनाया जाए जिसमें मैंने कोन वर्क और गोल्ड फॉइल और डेकोरेटिव मटेरियल्स का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो के मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, तो दोनों ही पार्ट्स अगर आप देख लेंगे तो आप सीख पाएंगे कि इस ब्यूटीफुल पेंटिंग को कैसे बनाना है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने एक राउंड MDF बोर्ड का यूज़ किया है और उस पर मैंने एक दुर्गा माँ का फेस ड्रॉ कर लिया है। अब जो फेस ड्रॉ किया हुआ है उन लाइंस को कोन से हम पूरी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस कोन को बनाने के लिए चॉक पाउडर और फेविकॉल और थोड़ा सा पानी यूज़ किया गया है। चॉक पाउडर और फेविकॉल का जो प्रोपोर्शन है वो 3:1 है। इसका मतलब 3 टीस्पून चॉक पाउडर एंड 1 टीस्पून फेविकॉल और फिर थोड़ा सा पानी उसमें लेकर कोन से निकलने वाली कंसिस्टेंसी हमें उस मिक्सचर की रखनी है। इस तरह से पूरी आउटलाइंस मैंने कोन से कवर कर ली है।
एक्रेलिक कलर्स की मदद से और बिल्कुल थिन ब्रशेस लेकर मैंने इसकी कलरिंग स्टार्ट की है। हम माता का फेस बहुत ही ब्यूटीफुली एक्रेलिक कलर से पूरी तरह से बनाएंगे। ध्यान से देखिए कि फेस कैसे बनाना है। इसी तरह से हम पूरा फेस प्रॉपरली कलर कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गोल्ड फॉइल लगाई जाती है। पूरी पेंटिंग सीखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें।